अभी ये राहु से गुजर रहा है और आपका इतनी रात तक बैठना ये कामयाबी की जमानत देता है। और माओ बहनों का अभी तक बाकी रहना सर्दी के आलम में ठंडी रात के अंदर ये कामयाबी की जमानत दे रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी हजरात ने ये तहैया कर लिया है, अगर ये प्रोग्राम सुबह तक चलता रहा तो इंशाअल्लाह इसी तरह बैठे रहेंगे। अरे माशाल्लाह, अल्लाह आपकी उम्रों को दराज फरमाए। तो हजरात, कुरान करीम के बाद खुदावंद जुल जलाल के बाद अगर कोई हस्ती काबिले तारीफ है, काबिले सताइश है, अगर कोई जात इस काबिल है कि उसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए अल्लाह ताला के बाद, तो वो इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सरवरे कौनैन रहमते दो आलम काली कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, यही वो जात है जिसने हमारी और आपकी खातिर बेशुमार कुर्बानियां बर्दाश्त की, बेशुमार तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो लिहाजा गरीबों के गम गुसार, ज़ईफों के मावा व मलजा, हरदम गरीबों का ख्याल करने वाले, गरीबों का हरदम एहतराम करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नसराने अकीदत पेश करने के लिए इन अशआर के साथ कि आप जो आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप जो आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल हैं कांटों से भी आई खुशबू, मेरा दिल क्यों ना हो कायल तेरी सहरे लिसानी का, सुना है हर तरफ चर्चा है तेरी जादू बयानी का। इन अशआर के साथ मैं दावत देता हूँ शहंशाह तरन्नुम बागे मदीना, और मेरे साथी भी हैं, दर्शी साथी हैं मुफ्ती तारिक जमील साहब, हमने एक साथ इल्म हासिल किया है आगरा के अंदर। मैं दावत देता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अकीदत पेश फरमाएं। इन अशआर के साथ के इत्र की ऊद की अंबर की चमन की खुशबू, इत्र की ऊद की अंबर की चमन की खुशबू सबसे अच्छी है शहीदी के वतन की खुशबू, जिन पे सौ जान से कुर्बान है बहारे जन्नत, जिन पे सौ जान से कुर्बान है बहारे जन्नत, वो तो है सैयद आलम के बदन की खुशबू। इन अशआर के साथ मैं दावत देता हूँ मुफ्ती मोहम्मद तारिक जमील साहब को कि वो तशरीफ लाएं और नजराने अकीदत पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वाजिबुल हराम हजरत उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ हमारी जान, सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ आज की हमारी इस महफिल में अपना खूबसूरत प्रोग्राम पेश करने वाले तमाम बच्चों को और ख़ास तौर पर उनके वालिदैन को, उनके असातिज़ा को, कि यकीनन आपके बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया वो देखने के लायक भी था और याद रखे जाने के काबिल था। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसके लिए जामिया फारूकिया के तमाम इकराम को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ, फारी अब्दुल साहब को, मौलाना अब्दुल्लब साहब को, रहीम साहब, मौलाना कासिम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। यकीनन आपके जामिया के तलबा ने जितने भी प्रोग्राम पेश किए सभी के प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन इंग्लिश के जो प्रोग्राम थे है ना, मौलाना कासिम साहब दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह आपको और मजीद हौसला अता फरमाए, आपने बहुत अच्छे बच्चे तैयार किए। वक्त चुके अब बिल्कुल भी नहीं बचा है ना सुनने का ना सुनाने का, और यकीनन ये कारी अब्दुल रहीम साहब की जिद थी जो मैं यहाँ था, मैंने हर मुमकिन कोशिश करी थी कि मुझे छुट्टी दे दो, मेरे बहुत खास दोस्त का प्रोग्राम था, मैं वहाँ जाना भी चाह रहा था, लेकिन कारी साहब ने कहा कि नहीं तुझे आना ही आना है। हालांकि यहाँ हर बच्चा इस लायक था कि मेरी बिल्कुल भी यहाँ ज़रूरत नहीं, लेकिन बहरहाल आपने बुलाया, आपने खिलाया, तो इंशाल्लाह कुछ अशआर मैं आपको सुनाऊंगा। कारी अब्दुल रहीम साहब अभी खिलाया नहीं, कारी साहब के इतने भी खिलाया नहीं, नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर।
माशाल्लाह दो बच्चों के दो बज गए ना, दो बज गए। कारी जहीर साहब फरमा रहे थे जब हम लोगों का नंबर नहीं आ रहा था कि 12 बजे के बाद वैसे भी लोगों के 12 बज जाते हैं, ये रख बातें टकराना की बात अलग है, ठीक है ना। यकीन मानिए अगर मैं आज पढ़ूंगा तो ऊपर जो हमारी माँ बहनी बैठी है मैं इनकी वजह से पढ़ूंगा। क्या जज्बा अल्लाह ने दिया, देखो इतनी सख्त सर्दी के मौसम में मगरिब के बाद से अब तक बैठी हुई, अल्लाह इनके जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कारी गयासुद्दीन साहब माशाल्लाह मुरादाबाद से आए, आपका प्रोग्राम सुनने के लिए मौलाना अमीर हमजा साहब और हमारे शारिक भाई है ना, बहुत देर से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो भी यहाँ बैठकर नहीं वहाँ बैठकर, बार बार ये कह रहे थे कि मुफ्ती साहब आज यकीन मानिए बच्चों का प्रोग्राम सुन करके मज़ा आ गया। मौलाना अमीर हमजा साहब फरमा रहे थे कि बच्चों का प्रोग्राम सुन करके सारी थकान दूर हो गई, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। मौलाना अब्दुल बारी साहब को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि जो इस हमारी महफिल के दूल्हा है, रूह रवा है, इस जामिया इस गुलशन के मल्ला में अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुआ है मौला इस जामिया को खूब खूब तरक्की रास्ते नवा दे। आमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी की वाला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। यकीन मानिए ये आपकी मोहब्बत है इसका मैं शुक्र नहीं अदा कर सकता कि रात की सर्दी के मौसम में आप माशाल्लाह अभी तक सुनने के लिए बैठे हुए। अगर छोटी सी दरख्वास्त से मानेंगे तो अच्छा है, नहीं मानेंगे तो भी अच्छा है, सर्दी का मौसम में मजबूर भी नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ा पीछे वाले जो भाई बैठे हुए अगर आगे की तरफ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा वक्त आपको नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पढ़ूँगा 10 मिनट पढ़ूँगा, और अगर आपने थोड़ा सा मूड बनाया तो इंशाल्लाह पढ़ूँगा, ठीक है ना। आज चांस तो नहीं मूड बनने के, लेकिन इंशाल्लाह बनेगा इंशाल्लाह। हमारे जो भाई पीछे बैठे चलो वही बैठे हो, कोई बात नहीं। वैसे भी खाली जहीर साहब फरमा रहे हैं सर, आप डॉक्टर साहब दिल्ली में जाकर दिल्ली से दिल्ली नहीं है, अरे अल्लाह आदर करता हूँ, तब तक रहना सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कौन कौन सुनेगा जरा, हाँ बताए माशाल्लाह, जो जो सुनेगा वो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, अब जो नहीं सुनेगा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा हम लोग नहीं सुनेंगे, अच्छा चले माशाल्लाह सब सुनेंगे इंशाल्लाह, आपका की आप तो माशाल्लाह सभी सुनते हैं, बतला दे करता हूँ सुने पकड़ करना कि वाह माशाल्लाह कि वाह सूरज रहे माल में मौजूद है, जितने तारे हैं
अच्छे आप लोग सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। रात के इस हिस्से में इतना अच्छा सुन रहे हैं, यकीनन आपकी तारीफ के लायक नहीं बल्कि मुबारकबादी के लायक है। अल्लाह सबको कबूल और मकबूल फरमाए। एक मरतबा मैं फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ इस जामिया के रूह रवा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मलिक साहब को, उनके तमाम फरजंदों को और जामिया के तमाम साथियों के रब को। यकीनन आपकी मेहनत ने जो आज फूल खिलाए फूल खिलाए कि एक एक बच्चा माशाल्लाह इस अंदाज से प्रोग्राम पेश कर रहा था कि कहीं से ये नहीं लग रहा था कि ये बच्चा अभी पहली मरतबा शायद ये बयान कर रहा है, तकलीफ कर रहा है। बच्चों का अंदाज भी काबिल दीद था और जो मजमून था बहुत पैरा उलमा किराम ने बना बना करके दिया था, बहुत ही अच्छा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मौला सबको मजीद तरक्कियां से नवाजे। आमीन। एक शेर पढ़ता हूं अपडेट साहब थोड़ा सा आवाज को सुन थोड़ा सा जी प्रहलाद करता हूँ तवज्जो रखना सर। बच्चे माशाल्लाह मौजूद हैं, एक कलाम पढ़ूं इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे।